हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मेरा नाम है जसप्रीत सिंह जौहर। मैंने 1999 में ग्रेजुएशन किया था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड देन 2002 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था फ्रॉम हिमाचल यूनिवर्सिटी। मई 2003 वॉज अ टाइम वेन आई क्वालिफाइड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड मई 2003 से लेके अब हम लोग इस समय 2022 में हैं। आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑफ CA, CS, CMA फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एंड BCom एज वेल फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इनकम टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को अब हम लोग आजकल GST के नाम से बुलाते हैं, GST एंड कस्टम्स। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पिछले 18-19 सालों से पढ़ा रहा हूँ, एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट ग्रेट जर्नी जहाँ पे भगवान ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। फोर टाइम्स अभी तक 4 बार ऐसा हो चुका है कि ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर्स हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं। इसी प्रकार से ऑल ओवर इंडिया सेकेंड रैंक होल्डर भी 3 बार हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, एंड इन टोटल 131 स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक्स इन पास्ट 18 ईयर्स, एंड आई होप कि आप लोग भी अब इस तरह का रिजल्ट्स मेरे को देंगे। आज के इस क्लास के अंदर आई विल बी शेयरिंग विद यू वेरी वेरी बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट का मेन एरिया हमारा स्टार्ट होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग अपनी क्लासेस में प्रोसीड किस प्रकार से करेंगे। एक तो आप देख पा रहे हैं इस समय अपने स्क्रीन के ऊपर, ये फुल स्क्रीन व्यू पे मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ, और कहीं पे कुछ रिटन पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस समय मेरे को कोई कंसेप्ट समझाना होगा तो मैं इस तरीके से फुल स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ जाऊंगा, और जिस समय मेरे को कुछ लिखवाना होगा उस समय मैं इस प्रकार से स्प्लिट स्क्रीन पर चला जाऊंगा, जहां पे आप देख पा रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड पे ये एक राइटिंग एरिया है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको भी अच्छे से दिखाई देगा। आई वेलकम यू ऑल। तो मैंने जैसे वेलकम ऑल यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरी पिक्चर भी आ रही है, राइटिंग एरिया पे सामने आ रहा है। तो ज्यादातर केसेस में हम लोग इस तरीके से काम करेंगे, जहां पे मैं आपको सारी चीजें लिखवाता भी रहूंगा और उसके साथ साथ में मैं आपको ये सारी चीजें समझाता भी रहूंगा। लेकिन कभी कभार बीच में टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ लिखें, समझाने का काम बाद में करूंगा, तो उस समय मैं इस प्रकार से फुल स्क्रीन चला जाऊंगा। इस प्रकार से मैं फुल स्क्रीन चला जाऊंगा जहां पे आप सिर्फ लिखेंगे, जहां पे आप सिर्फ लिखेंगे और मैं आपकी इमेज से सामने से हट जाऊंगा। तो हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों ने एक बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन करना है। ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा ये पूरे सब्जेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, वेरी वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। और इस सब्जेक्ट के अंदर जो पहला चैप्टर है, उस पहले चैप्टर से पहले का जो एरिया जो मेरे को लगता है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, और इनफैक्ट जनरली स्टूडेंट्स को सारी बात पता होना चाहिए, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ में मैं आपके साथ सिलेबस भी डिस्कस कर देता हूँ। पहले मैं आपके साथ पूरा सिलेबस ही डिस्कस कर देता हूँ, मेरे ख्याल से दैट विल बी फार फार बेटर अप्रोच। शायद वो ज्यादा अच्छी अप्रोच रहेगी अगर मैं आपके साथ पूरा का पूरा सिलेबस पहले डिस्कस कर दूं। तो आइए आप मेरे साथ साथ में लिखना स्टार्ट कीजिएगा। आई वेलकम यू ऑल। तो मैं यहां पर लिखवा रहा हूं सिलेबस ऑफ इनकम टैक्स। आप इनकम टैक्स का पूरा सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। ये CA इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट CA इंटर। तो जो पहला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, और मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं कोशिश भी यही करूंगा कि इसी सीक्वेंस को फॉलो करूं, इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको सारे के सारे क्लासेस मैं प्रोवाइड करूं। तो पहला चैप्टर जो हमारा रहेगा वो होगा बेसिक कंसेप्ट्स का, जो आज अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हो जाएगा आज स्टार्ट हो जाएगा ये वाला चैप्टर हमारा। बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस के बाद दूसरा चैप्टर पे जब हम लोग जाएंगे तो उसका नाम होगा रेसिडेंशियल स्टेटस।
रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद हम लोग करेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन। इनकम टैक्स कैलकुलेशन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है, दैट इज सरचार्ज। ये इनकम टैक्स कैलकुलेशन का ही पार्ट है लेकिन एक एक्सटेंडेड पार्ट है, तो मैंने उसको एक अलग चैप्टर ही बना दिया है। सरचार्ज के बाद मैं आपको करवाऊंगा एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को जो चैप्टर है वो इनकम टैक्स कैलकुलेशन और सरचार्ज से रिलेटेड है, इस वजह से पहले हम लोग एग्रीकल्चर इनकम करेंगे। उसके बाद मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करूंगा, दैट विल बी डिविडेंड्स। सातवां हम लोग डिस्कस करेंगे गिफ्ट्स रिसीव्ड। अगर किसी को गिफ्ट मिलता है तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट हमारे कानून में क्या दिया हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। गिफ्ट्स रिसीव्ड के बाद हम लोग जाएंगे और अपने बड़े चैप्टर्स जो हैं, मेन चैप्टर्स, बड़े चैप्टर्स जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। जैसे एक बहुत बड़ा और मेन चैप्टर है सैलरी, वो स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके साथ। सैलरी से रिलेट करता है चैप्टर डिडक्शंस का, तो मैं सैलरी के बाद डिडक्शंस का चैप्टर करवाऊंगा आपको। फिर हम लोग करेंगे हाउस प्रॉपर्टी, फिर हम लोग करेंगे बिजनेस। ये चैप्टर्स के नाम है प्लीज, बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर हम लोग करेंगे कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के बाद हम लोग करेंगे इनकम फ्रॉम, या इतना भी ना लिखें, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लिखेगा सिंपल भाषा में अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस के बाद हालांकि मेरे को क्या करना चाहिए था, एग्रीकल्चर इनकम, डिविडेंड्स और गिफ्ट के बाद दो चैप्टर और आते हैं बीच में, मेरे को पहले वो करवा देने चाहिए थे, दैट वाज टीडीएस एंड एडवांस टैक्स। तो चलो कोई बात नहीं, वो मैं करवा दूंगा, बीच में करवा दूंगा, लिखूंगा मैं इसको, इसका नाम बाद में लिख दूंगा। अदर सोर्सेस के बाद हमारे पास चैप्टर आता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टीडीएस बोलते हैं इसको हम लोग। देन हमारे पास आता है टॉपिक एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के बाद हमारे पास टॉपिक आएगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AMT भी बोलते हैं। फिर उसके बाद न्यू टैक्स रेट्स। न्यू टैक्स रेट्स का हम लोग टॉपिक एक करेंगे, जिसे न्यू टैक्स रिजीम का नाम भी दिया जाता है। हमारे पास एक टॉपिक आएगा बीच में क्लबिंग ऑफ इनकम्स। एक और टॉपिक आएगा हमारे पास सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है एग्जेम्प्टेड इनकम्स का। एग्जेम्प्टेड इनकम्स के नाम से एक और टॉपिक आता है। एक और टॉपिक हमारे पास आएगा, एंड दैट वॉज योर ITR या इनकम टैक्स रिटर्न हम लोग बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। देन हमारे पास एक और टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 22 चैप्टर मैंने आपको यहां पर लिखवा दिए। किताबें आपके पास है, किताबों में अगर आप देखेंगे ना तो आपको वहां पे 24 दिखाई देंगे, 24 दिखाई देंगे। मैंने आपको 22 लिखवाए हैं, 24 क्यों है, बाकी के दो कहां गए, मैंने क्यों नहीं लिखवाए। यहां पे एक टॉपिक आपको बुक के अंदर दिखेगा डेप्रिसिएशन के नाम से।
जो डेप्रिसिएशन है दैट इज पार्ट ऑफ दिस टॉपिक बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो डेप्रिसिएशन को मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ ही रिलेट करता हूं, तो हो गए 23। और एक और जो हमारे पास के एमसीक्यूज आते हैं, जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं, वो तो मैं यहाँ पे वो लिखवा देता हूँ, ये मेरे को करवाना है, मैं करवाऊंगा। केस स्टडी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज, तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो ये हुआ आपके पास पूरा का पूरा सिलेबस। एक जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन किससे रिलेटेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो मैं वहां पे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये इनकम टैक्स का सिलेबस है जो कि हमारा 60 नंबर 60 मार्क्स का है। ऐसे ही 40 नंबर का हमारा जीएसटी है, उसके बारे में चर्चा हम लोग जीएसटी की क्लासेस में करेंगे, यहां पे हम लोग उसका कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। नाउ ये तो हो गया जी हमारा सिलेबस जो सी इंटरमीडिएट के लिए है। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया, मैंने अभी तक आप लोगों के साथ मोबाइल नंबर डिस्कस किए जहां पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ में मैंने आपके साथ पूरा सिलेबस का ब्रेकअप दिया कि कितने मार्क्स का क्या है और एमसीक्यूज कितने हैं, सब्जेक्टिव कितना है। मैंने आपको अभी तक सिर्फ सिलेबस लिखवाया और इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। ध्यान रखिएगा, पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस का। अब इस पॉइंट पे मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं और हमारा चैप्टर नंबर 1। इस पॉइंट पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। तो आप हेडिंग देंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस के नाम से एक मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। देखिए, अगर हम लोग बहुत ही ज्यादा बेसिक्स से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज आती है कि भाई टैक्सेस क्या होते हैं, व्हाट आर टैक्सेस, एंड टैक्सेस गवर्नमेंट क्यों चार्ज करती है, व्हाट डज गवर्नमेंट चार्ज टैक्स, टैक्स नहीं होगा तो क्या होगा, टैक्स है तो क्या उसका बेनिफिट है। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें। सबसे पहली चीज, व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या होता है और वाई, मतलब एक तो चीज होगी व्हाट और दूसरा है वाई। तो पहले व्हाट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग वाई पे जाएंगे। टैक्स इज मॉनेटरी चार्ज विच इज कंपल्सरी इन द नेचर, कंपल्सरी इन नेचर and is charged by government to meet various public expenses and for development and for development of the nation and for the development of nation and it is charged from persons, people, companies or corporates, it is charged from people, corporates, property owners, etc. सबसे चार्ज किया जाता है। और जरा इस बात को सीखे, मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में लिखवाया कि टैक्स जो होगा, और ध्यान रखना मैंने टैक्स कहा, मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं।
टैक्स जो होगा ये एक मॉनेटरी चार्ज है जो कि चार्ज किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। अब बात आती है यहाँ पे कि गवर्नमेंट कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना गवर्नमेंट वर्ड दोनों को इंडिकेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इंडिकेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो टैक्स एक मॉनेटरी चार्ज है, मॉनेटरी चार्ज का मतलब जहां पे पैसा आपसे मांगा जाता है, पैसा चार्ज किया जाता है आपसे, और कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। और आपको एक और बात बताता हूं, जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली में एक लोकल अथॉरिटी है जिसका नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एमसीडी, तो एमसीडी भी गवर्नमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। लोकल अथॉरिटीज को हम लोग लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो एमसीडी भी चार्ज करती है टैक्स, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जहां जिस भी शहर में रहते हैं आपके शहर में भी कोई ना कोई लोकल अथॉरिटी होगा, उस लोकल अथॉरिटी के बारे में भी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं। क्या ये टैक्स देना ऑप्शनल होता है या कंपलसरी होता है? आंसर है इसकी कंपलसरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है टैक्स तो आपको देना ही है। अगर आपने इनकम कमाई है तो उसके ऊपर टैक्स आपको देना ही है। ऑब्वियसली एक बात है कि एक पर्टिकुलर लिमिट ऑफ इनकम आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है ताकि आप अपने डे टू डे बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। लेकिन उसके बाद, उस लेवल ऑफ इनकम के बाद अगर आप और इनकम कमा रहे हैं, देन यू नीड टू शेयर अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर इनकम विद द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टैक्स। और एक कंपल्सरी होता है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है इसमें। साथ साथ में ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ये टैक्स क्यों चार्ज करती है? गवर्नमेंट ये टैक्स चार्ज करती है पब्लिक एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। पब्लिक एक्सपेंसेस क्या मतलब हुआ पब्लिक एक्सपेंसेस का? आप सबको बहुत अच्छे से याद है कि दिसंबर 2019 में पहली बार, दिसंबर 2019 में पहली बार हम लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना था, कोरोना, कोरोना वायरस। और अभी हम लोग 2021-2022 में हैं और ये कोरोना वायरस हमारी जान छोड़ नहीं रहा। 2022 में भी कोरोना वायरस उतना ही एक्टिव है जितना पहले ये कोरोना वायरस एक्टिव था, और लगता है कि शायद अगले और 2-4 सालों में ये ऐसे ही तंग करता रहेगा। अलग अलग देशों में लॉकडाउन भी होता रहेगा, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। तो ये जो बीमारी हुई, अब इसके इस बीमारी को लड़ने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या किया, हमारे सरकार और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्या किया, इन्होंने वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और उसके बाद उस वैक्सीनेशन को एडमिनिस्टर करना, दैट मीन्स पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीन लगाना 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। वैक्सीनेशन बनाई, अगर हम लोग कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड नाम की जो दवाई है, वैक्सीन है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने बनाई, और उसके बाद उसका जब मास प्रोडक्शन इंडिया में हुआ तो उसका नाम रखा गया कोविशील्ड। इसी प्रकार से इंडिया की अपनी इंडिजिनस दवाई भी एक बनी जिसको कोवैक्सीन कहते हैं हम लोग। तो इन सारी चीजों के लिए पैसा खर्च होता है, तो पैसा खर्च करने के लिए सरकार की को पैसा चाहिए। फिर उसके बाद जब ये मेडिसिन बन गई, दवाई बन गई, वैक्सीन बन गई, तो करोड़ों 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 लोगों को ये वैक्सीन दी गई, फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई। भाई सोचो, इतना बड़ा खर्चा जहां पे बहुत बड़े लेवल पे करोड़ों लोगों को दवाई देनी है, इंजेक्शन देना है, तो वैक्सीन का खर्चा, सिरिंज का खर्चा, इंजेक्शन का खर्चा, उसके बाद स्टाफ का खर्चा, जिस बिल्डिंग के अंदर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उसके रेंटल्स का खर्चा, कितना जबरदस्त खरबों रुपए का खर्चा है। अब ये खर्चा करने के लिए मोदी सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? मोदी सरकार के पास ये पैसा आएगा जब आप, मैं, हम लोग सब मिलकर अपने टैक्सेस पे करेंगे। किस प्रकार के टैक्सेस? दोनों, डायरेक्ट टैक्सेस भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा एक और चीज मैंने लिखी है यहां पे, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब डेवलपमेंट ऑफ द नेशन भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी भारत सरकार डेवलपमेंट ऑफ द नेशन पे भी बहुत पैसा खर्च कर रही है। आज से अगर मैं पीछे 10 साल पीछे चला जाऊं तो शायद सिर्फ 1 या 2 शहर थे जहां पे मेट्रो हुआ करती थी, कलकत्ता और दिल्ली। लेकिन आज 2022 की अगर हम लोग बात करें तो लगभग हर बड़े शहर के अंदर या तो मेट्रो की कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेट्रो का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, या मेट्रो ऑपरेशनल भी हो चुकी है।
बड़े बड़े शहर जैसे बॉम्बे की बात करें, चेन्नई की बात करें, कुछ और बड़े शहर जैसे कानपुर की बात करें, तो यहाँ पे जयपुर की बात करें, तो इन सब जगह पे मेट्रो ऑपरेशनलाइज हो चुकी है और एक्सपैंड भी हो रही है। इसके साथ साथ में आपको पता है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट भी हमारे देश में चल रहा है। तो दिस इज नथिंग बट द इंडिकेशन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। अब इन सारे चीजों के लिए सरकार को पैसा चाहिए, सरकार के पास ये पैसा कहां से आएगा? मैं और आप, मेरे परिवार वाले, आपके परिवार वाले, मेरे दोस्त यार, आपके दोस्त यार, मेरे लड वंस, आपके लड वंस, हम लोग सब जब टैक्सेस पे करेंगे तब ये सारा का सारा खर्चा सरकार कर पाएगी। ये टैक्स गवर्नमेंट किससे लेती है? टैक्स गवर्नमेंट लेती है फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक का मतलब मैं और आप, कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स का मतलब है कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, और साथ साथ में प्रॉपर्टी ओनर्स, जिनके पास प्रॉपर्टीज है, जो प्रॉपर्टीज के मालिक है, जमीन जायदाद के मालिक है, उन लोगों से भी ये टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं, और इस प्रकार से और बहुत सारे लोगों से। तो ये हुआ आपके पास टैक्सेस। व्हाई, व्हाट इज टैक्स? तो ये मैंने आपको बताया, और व्हाई टैक्स। अब व्हाट के अंदर ही व्हाई का भी जवाब छुपा हुआ है। व्हाई, या एक काम कर दें, ऊपर जो आपने लिखा व्हाट इज टैक्स, इसके साथ में लिख दें एंड व्हाई। व्हाट इज टैक्स और एंड व्हाई, यहीं पे लिख दो एंड व्हाई। तो मैंने दोनों बातों का जवाब यहीं पे दे दिया, व्हाट इज टैक्स एंड व्हाई टैक्स। तो मैंने दोनों क्वेश्चंस का जवाब आपको यहाँ पे दे दिया, साथ साथ में मैंने आपको समझा भी दिया। ये बड़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, नो रॉकेट साइंसेस इन्वॉल्व्ड। उसके बाद आप लिखेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस किस प्रकार के होते हैं? तो हम सबको अच्छे से पता है टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं। ऑल टैक्सेस कैन बी broadly divided into two categories। सभी प्रकार के टैक्सेस को लार्जली आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो कैटेगरीज हैं? एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा आप सबको अच्छे से पता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स चार्ज बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब टैक्स चार्ज करे किस चीज के ऊपर? टैक्स चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन इनकम, ऑन वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है आपके एसेट्स, एसेट्स पर से आपकी लायबिलिटीज को लेस कर दिया जाए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक मकान है और वो मकान 50 लाख का है, उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज की है, और इस मकान को परचेज करने के लिए मैंने 20 लाख रुपीज का लोन लिया है। तो 50 लाख की मकान की कीमत माइनस 20 लाख रुपीज का मेरी जो लायबिलिटीज है उस मकान के अगेंस्ट 30 लाख रुपीज इज नाउ माय वेल्थ। तो वेल्थ के ऊपर, इनकम के ऊपर जो टैक्स चार्ज किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे हिंदुस्तान में वेल्थ टैक्स होता है या हमारे हिंदुस्तान में इनकम टैक्स होता है। मैं तो हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो समय जनरल व्यू ऑफ पॉइंट आपको दे रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का एक आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में इनकम टैक्स भी होता है, वेल्थ टैक्स भी होता है। हालांकि आपको यहां पे ये भी बता देता हूं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी उस जमाने में हमारे देश में इनकम टैक्स भी होता था, वेल्थ टैक्स भी होता था। और फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली साहब, उन्होंने वेल्थ टैक्स अबॉलिश कर दिया। तो अब आज अगर 2022 की अगर हम लोग बात करें, इट हैज बीन गुड 7-8 years सिंस मोदी गवर्नमेंट हैज कम टू द पावर। तो पिछले 7-8 सालों में वेल्थ टैक्स अबॉलिश हो चुका है, अब वेल्थ टैक्स नहीं होता, पहले होता था। लेकिन हाँ, इंडिया में अबॉलिश हुआ, बाकी पूरे वर्ल्ड में तो चल ही रहे। तो मैं यहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, जो पूरे वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस में टैक्सेस विच आर चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ पर्सन, वेल्थ ऑफ पर्सन या कॉर्पोरेट। टैक्स विच इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम एंड द वेल्थ ऑफ अ पर्सन और कॉर्पोरेट इज कॉल्ड एज, अच्छा, एंड बर्डन ऑफ विच, एंड
burden of which is not passed on to some other person, is called as direct tax. और इसका एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है, इनकम टैक्स, और दूसरा एग्जाम्पल भी है वेल्थ टैक्स. तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स दो एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल्स बन जाते हैं. इसके साथ साथ में हमारे पास दूसरी कैटेगरी भी आती है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स? This is a tax which is charged by government on goods, on services, and burden of which is passed on to the final consumer. The burden of which is passed on to the final consumer. इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल हो सकता है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स टैक्स होता है. एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसमें दूं, हमारे देश में जीएसटी होता है, इसी प्रकार से कस्टम्स होता है, कस्टम ड्यूटी. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ योर इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो ध्यान देना, आप लोगों ने बचपन में भी सीखा हुआ है कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, लेकिन आज भी आपने इस चीज को रिपीट करा. मैंने इसके अंदर कुछ नई चीज आपको दी है. नई चीज देखो क्या है, आज से पहले आप लोगों को यह पता था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन हम किसी दूसरे के ऊपर पास ऑन कर देते हैं. ठीक बात है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है. मैंने इसके अंदर कुछ एक चीज ऐड कर दिया. मैंने ये कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगाए जाते हैं. गुड्स बेचा, टैक्स लगेगा. मैं आपको इस समय यहां पे पढ़ा रहा हूं, सर्विसेज दे रहा हूं, मैं इस सर्विसेज के बदले में जो पैसा लेता हूं उस पैसे के ऊपर भी टैक्स लगेगा. तो जिस समय गुड्स या सर्विसेज की बात होती है, गुड्स देना, बेचना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, उस समय भी टैक्स लगता है, और ऐसे टैक्स को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑलवेज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वेयर एज डायरेक्ट टैक्सेस आर चार्ज ऑन इनकम एंड वेल्थ. डायरेक्ट टैक्सेस का नेचर ऐसा होता है कि आप उसका बर्डन किसी दूसरे के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर ऐसा होता है कि जिसका बर्डन आप किसी दूसरे के ऊपर पास ऑन कर देते हैं, और वो दूसरा व्यक्ति कौन होगा? द फाइनल कंज्यूमर. जो भी फाइनल कंज्यूमर होगा उन गुड्स का और सर्विसेज का, वो बन जाता है द पर्सन जिसके ऊपर आप ये बर्डन पास ऑन कर देते हैं. हमारे देश में, इंडिया में, दोनों प्रकार के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्सेस भी हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं. याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पे जब इसकी बात कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट की, तो 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है जीएसटी, और 60 मार्क्स का हमारा आता है इनकम टैक्स, जो हमारा बेसिक इनकम टैक्स है. ये सी इंटर की बात कर रहा हूं मैं. इसी प्रकार से अगर मैं सीएमए की बात करूं तो सीएमए के अंदर तो पूरे 100 मार्क्स का इनकम टैक्स है, और जीएसटी और कस्टम्स का एक पूरा अलग पेपर है जो कि अपने आप में पूरे 100 नंबर का पेपर है. तो सीए के अंदर 60 एंड 40 दोनों चीजें एक ही पेपर के अंदर पढ़ाई जाती है, सीएमए के अंदर दोनों अलग अलग है. 100 नंबर का इनकम टैक्स, 100 नंबर का आपका आ जाता है जीएसटी, और साथ में कस्टम्स. कंपनी सेक्रेटरी में तो और कमाल की बात है, कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट्स का सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है, और वहां पे कंपनी सेक्रेटरी के लिए 50 मार्क्स का इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का जीएसटी और इनकम टैक्स चलता है. अगर आप कहें, अगर मेरे को इजाजत दे, तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई इसको मैं एक बार रिपीट कर दूं. एक बार मैं इसको फटाफट रिपीट कर देता हूं, बहुत 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 फास्ट अगर हम लोग करें. तो हम लोगों ने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि टैक्स होता क्या है और टैक्स क्यों लगाया जाता है. दो चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है यहाँ पे, कि व्हाट इज टैक्स एंड व्हाई इट इज देयर.
कि टैक्स क्यों है और क्या है। टैक्स क्या है ये मैंने आपको बता दिया। टैक्स एक मॉनेटरी चार्ज है जो कि पैसे के तौर पे गवर्नमेंट लेती है। कंपल्सरी है, जरूरी है, आप सबको देना ही देना होगा। नहीं देते हैं तो वो टैक्स की चोरी है, जिसका रिजल्ट होगा कि आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है, फाइन्स लगाए जा सकते हैं। ये पैसा गवर्नमेंट चार्ज करती है। गवर्नमेंट ये पैसा क्यों चार्ज करती है? क्योंकि उसको पब्लिक एक्सपेंसेस करने हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन फ्री में, और डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ द नेशन का एग्जांपल दिया कि पूरे हिंदुस्तान में मेट्रो का काम चल रहा है और बुलेट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, हाईवेज का काम चल रहा है, डिफेंस ऑफ द कंट्री भी आप इसमें लिख सकते हैं, वो भी एक आपके पास रीजन बन जाता है वायर टैक्सेस। इसके साथ साथ में ये चार्ज किससे किया जाता है? ये चार्ज किया जाता है जन पब्लिक से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, प्रॉपर्टी ओनर से, एंड सो ऑन। टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको कहा पहला डायरेक्ट टैक्स होगा, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनकम और वेल्थ के ऊपर चार्ज किया जाता है, और जिसका बर्डन आप किसी दूसरे के ऊपर पास ऑन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है और जिसका बर्डन आप फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। उदाहरण के तौर पे सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, और कस्टम ड्यूटी है, और इस प्रकार से कुछ और बहुत सारे टैक्सेस हैं। अब अगर हम लोग यहां से और आगे चले तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ उतना ही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जितना हमारे इनकम टैक्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हालांकि अगर आप में से, आई एम नॉट श्योर कि कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप में से स्टूडेंट्स ने जीएसटी का सब्जेक्ट मेरे से पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा मैंने जीएसटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस करी है, और मैं अब आज यहां पे इस क्लास में भी कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहा हूं, सिर्फ उतना डिस्कस कर रहा हूं जितना हम मेरे इस सब्जेक्ट में रेलेवेंट है। किसके लिए रेलेवेंट है? इनकम टैक्स के सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट है। मैं सिर्फ उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तो आप हेडिंग दीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप हेडिंग दीजिए मेरे साथ साथ में, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने हेडिंग लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखेगा, पॉइंट्स बना के लिखेगा, और इसको ना शॉर्ट में, मैं बार बार पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लिखूंगा, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे COI। तो वेर एवर आई मेंशन द वर्ड COI, COI विल रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलो तो बी वेरी वेरी केयरफुल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। आपको हर पता होना चाहिए ये बात, और इट विल बी रियली स्ट्रेंज अगर आपको ये बात नहीं पता। हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये एक सबसे ज्यादा कंप्रिहेंसिव कानून है पूरे वर्ल्ड का। इतना कंप्रिहेंसिव किसी भी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जितना कंप्रिहेंसिव हमारे यहां पर है। और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिसकी प्रेरणा उनको मिली थी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था। तो ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया, उसके अंदर जो बातें लिखी थी उसमें से बहुत सारी बातों को यूज करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, जिसको फाइनली इम्प्लीमेंट किया गया फ्रॉम 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। हालांकि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बहुत डिटेल में, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा कहीं ना कहीं जरूर होगी। तो हमारे देश में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट से भी ऊपर है, आप ऐसे कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, प्रेसिडेंट से भी ऊपर है। द पीक, जो पीक है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नीचे बहुत सारी चीजें आती हैं। कंटिन्यू करके लिखिएगा, इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, इट हैज 22, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या है आपने पढ़ा होगा, सिविक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा, इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल,
इट हैज 22 पार्ट्स या 22 चैप्टर्स कह लीजिए, और उसके अंदर फिर आपको 444 आर्टिकल्स हैं, एंड फिर इसके अंदर 12 शेड्यूल्स हैं। तो प्रीएम्बल है, आप ऐसे कहें कि प्रीएम्बल को आप ऐसे कहें कि एक ओवरव्यू है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या क्या कहना क्या चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन। 22 पार्ट्स को आप 22 चैप्टर्स कहें, 22 चैप्टर्स के अंदर 444 आर्टिकल्स हैं, आप ऐसे मान के चले कि एक प्रकार से ये अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, सेक्शंस हैं, और 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स का मतलब जो सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके अंदर कुछ और बातें जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई हैं उसको एक अलग से शेड्यूल के अंदर लिख दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर कि अगर हम लोग ये कहें कि साहब शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब कौन होता है? शेड्यूल ट्राइब एक वो व्यक्ति होता है जो कि किसी ट्राइबल एरिया में रहता है। अब ट्राइबल एरिया कौन सा होगा, उसकी लिस्ट देनी है, तो वो लिस्ट कहाँ दे देते हैं, एक्सटेंडेड पार्ट में दे देते हैं, जिसको शेड्यूल कहते हैं कि भाई शेड्यूल में जाकर देख लेना, वहां पे हम लोग लिस्ट दे रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट लिस्ट इन द मेन पार्ट, एक्सटेंडेड पार्ट में दे देते हैं, दैट एक्सटेंडेड पार्ट इज व्हाट वी कॉल एज अ शेड्यूल, प्राइमरली मेनली बेसिकली। उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, पॉइंट नंबर 2 में लिख रहा हूं मैं, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड या कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय एन अथॉरिटी ऑफ लॉ, एक्सेप्ट बाय एन अथॉरिटी ऑफ लॉ। इट मीन्स टैक्स प्रपोज्ड मस्ट बी tax proposed must be levied within the powers of authority imposing such tax, that is it should have power to make act for such tax, आर्टिकल 265। आसान तरीके से आपने लिखा है, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम पावर है, जैसे मैंने कहा टॉप मोस्ट पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का मतलब मैंने आपको बताया कि एक तरह से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का समराइज पार्ट जो है वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है कि हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स को आप 22 चैप्टर्स मान के चलेगा। चैप्टर्स के अंदर सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को आर्टिकल कहा जाता है, साथ साथ में कुछ एक्सटेंडेड पार्ट जिसको हम लोग शेड्यूल्स बोलते हैं, तो ऐसे टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स में से जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक मेन आर्टिकल है वो है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 कहता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट हैज एन अथॉरिटी फॉर दैट थिंग। अब अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, अथॉरिटी से हमारा मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इम्पोज दैट टैक्स। गवर्नमेंट के पास पावर होनी चाहिए कि गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है, उससे रिलेटेड कानून बना सकती है। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अगेन मैं यही बात बोलूंगा कि साहब मैं दोनों सरकारों की बात कर रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात भी कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं, हाउ वी विल कम टू नो दिस थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता देगा कि कौन कौन से पावर्स किस किस के पास है, कौन कौन से पावर्स किस किस के पास है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे कि
अगर मैं इसी में आगे चलूं, पॉइंट नंबर थ्री पे अगर मैं जाऊं, शेड्यूल सेवन देखो, अभी ऊपर मैंने आपको लिखा है टोटल 12 शेड्यूल्स हैं, अभी मैंने कहा 12 शेड्यूल्स हैं, उन 12 शेड्यूल्स के अंदर शेड्यूल नंबर सेवन जो है, शेड्यूल सेवन गिव्स लिस्ट्स ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, शेड्यूल सेवन के बारे में आपको पता है, और इसके अंदर तीन लिस्ट हैं, ये भी आपको पता है। दिस शेड्यूल गिव्स अस थ्री लिस्ट्स, नेमली तीन लिस्ट हैं, कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट में क्या है, गिव्स दोज मैटर्स ऑन विच लॉ कैन बी मेड ओनली बाय, लॉ कैन बी मेड ओनली बाय पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में क्या है, गिव्स दोज मैटर्स ऑन विच लॉ कैन बी मेड ओनली बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूनियन लिस्ट में क्या है, यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है वो सारी मैटर्स का मतलब है मुद्दे, इश्यूज, वो सारे मैटर्स जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर है किसके पास, सिर्फ पार्लियामेंट के पास। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर है स्टेट के पास, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। और फिर तीसरी लिस्ट भी है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, इट गिव्स दोस मैटर्स विच आर ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस, ऑफ अ स्टेट बट इट हैज नेशनल सिग्निफिकेंस बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन मेक लॉ ऑन सच मैटर। इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विल प्रिवेल। अच्छा, आओ जरा अब इन बातों को मैं आपको समझा देता हूं। आसान है, लिख लिया होगा आप लोगों ने जरूर, आसान है, सुनेगा। देखिए, आर्टिकल 265 जो है, जो मेन आर्टिकल है, वो ये कहता है कि कभी भी किसी भी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं हो सकता जब तक सरकार के पास अथॉरिटी ना हो उस चीज से रिलेटेड। सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, दैट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर पावर होनी चाहिए कि वो टैक्स चार्ज कर सके। मान लीजिए अगर पावर नहीं है तो टैक्स चार्ज नहीं हो पाएगा, और अगर टैक्स फिर भी चार्ज करना हो तो
तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चेंज करना पड़ेगा, उसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे जीएसटी, जीएसटी चार्ज करने की पावर नहीं थी, ना पार्लियामेंट के पास पावर थी, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर थी। तो 2017 में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया, तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया जब वो बिल पास हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के बाद पावर आई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने टैक्सेस लगा दिए। अब ये जो आर्टिकल 265 है, इसको सपोर्ट करते हुए हमारे पास है शेड्यूल नंबर 7। शेड्यूल नंबर 7 किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो शेड्यूल नंबर 7 है, इसके अंदर तीन अलग अलग लिस्ट गिवन है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। जो ये लिस्ट है, इन लिस्ट के अंदर कुछ मुद्दे, कुछ मैटर्स, कुछ इश्यूज, कुछ टॉपिक्स गिवन है जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर एक पर्टिकुलर सरकार के पास है, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास है। जैसे कि अगर हम लोग यूनियन लिस्ट की बात करें, जिसे लिस्ट 1 कहा जाता है, तो यूनियन लिस्ट के अंदर वो मैटर्स हैं जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर, जिनके ऊपर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी कंट्री के लिए रेलेवेंट है, जैसे डिफेंस ऑफ द कंट्री, इंटरनेशनल पॉलिसीज, मिलिट्रीज, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, करेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम लोग बात करें, तो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं, इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को दी गई है, यूनियन लिस्ट के अंदर लिखी गई है, एंड दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ में स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि लोकल स्टेट के इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, पुलिस की बात करें, तो पुलिस से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, स्टेट लिस्ट के अंदर दी गई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसके ऊपर कानून बनाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके वो दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ये कुछ ऐसे मैटर्स हैं, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो है तो किसी स्टेट के लोकल इंपॉर्टेंस के, लेकिन उसकी नेशनल सिग्निफिकेंस है। मैं इसका बड़ा एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, पंजाब की बात करें, तो पंजाब के अंदर लगभग 80-90% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है, जहां पे खेतीबाड़ी का काम है और खेतीबाड़ी से जो रिलेटेड काम है वो सारे, पंजाब की लगभग 80-90% पॉपुलेशन ये काम करती है। अब अज्यूम करो कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि साहब हमारी 80-90% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड पॉपुलेशन है, तो हम पंजाब के स्कूलों में नर्सरी से लेकर 12वीं तक सिर्फ खेतीबाड़ी की से रिलेटेड शिक्षा देंगे, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। क्या जरूरत पड़ी है बच्चों को बायोलॉजी समझने की, क्या जरूरत पड़ी है उसे मैथमेटिक्स पढ़ने की, क्या जरूरत पड़ी है उसे कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने की, सिर्फ खेतीबाड़ी के बारे में बताएंगे। 80-90% पॉपुलेशन खेतीबाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको और ज्यादा उसके बारे में पता होना चाहिए, तो खेतीबाड़ी के स्किल्स भी देंगे उनको, खेतीबाड़ी की थ्योरेटिकल नॉलेज भी देंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे, ताकि वो 12वीं पास करने के बाद अपने खेतीबाड़ी में अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की मदद कर सके। तो पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा सोच के स्कूल के अंदर एक सिलेबस या कोकुलरम इंट्रोड्यूस कर दिया सिर्फ खेतीबाड़ी से रिलेटेड। अब जरा सोचो, क्या ऐसा कोई स्टूडेंट जो नर्सरी से 12वीं तक सिर्फ खेतीबाड़ी के बारे में पढ़ रहा है, वो पंजाब के अलावा किसी और स्टेट में अगर चला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा चला जाता है, तो हरियाणा में तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत होती है। अगर कर्नाटका चला जाता है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बहुत है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज बहुत है वहां पे। तो क्या ऐसा व्यक्ति जो पंजाब के उस स्कूल से पढ़ के आ रहा है, जहां पे नर्सरी से 12वीं तक उसको सिर्फ खेतीबाड़ी के बारे में सिखा पाया, क्या ऐसा व्यक्ति किसी देश के किसी दूसरे हिस्से में जाके एडजस्ट कर पाएगा? आंसर इज नो। क्या वो रेलेवेंट होगा? आंसर इज नो। तो फिर क्या करें? मान लीजिए अगर हर स्टेट इसी प्रकार से, अगर हर स्टेट इसी प्रकार से अपने अपने हिसाब से कानून बनाती रहे,
तो जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स पॉपुलेशन तो हो ही नहीं पाएगी, उसमें डाइवर्सिटी तो होगी नहीं बिल्कुल भी, और जो पॉपुलेशन है वो एक स्टेट सेंट्रिक बन के रह जाएगी, मूवमेंट ऑफ द पॉपुलेशन बहुत आसान नहीं हो पाएगा। तो क्या किया जाए? गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा मैटर है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, जो है तो लोकल स्टेट की इंपॉर्टेंस का, लेकिन उसकी कोई नेशनल सिग्निफिकेंस, नेशनल रेलेवेंस भी तो है, तो उसके ऊपर कानून पार्लियामेंट भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वहां पे आपको दो तरह के एजुकेशन बोर्ड्स दिखाई देते हैं। एक आपको मिलता है सीबीएसई, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, पार्लियामेंट के कंट्रोल में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है। और दूसरा आपने देखा होगा हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग एजुकेशन बोर्ड्स भी हैं, जैसे पंजाब का अपना अलग एजुकेशन बोर्ड है, महाराष्ट्र का अपना अलग एजुकेशन बोर्ड है, मेरे ख्याल से बिहार का अलग है, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप पंजाब बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपको एक पर्टिकुलर प्रकार की एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन अगर आप सीबीएसई से कर रहे हैं तो ऐसी एजुकेशन दी जाएगी जो पूरे हिंदुस्तान में बाकी सबको दी जा रही है, एंड यू विल बी मोर relevant for the country as compared to the state boards। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारे देश में दो अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज भी हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज अलग हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अलग हैं। अगर हम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि इग्नू की बात करें, मैंने शायद पब्लिक और प्राइवेट बोल दिया, मेरे को यहां पर कहना चाहिए था सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं इग्नू के बारे में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, डेल यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं, दीज आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। इसी प्रकार से स्टेट यूनिवर्सिटीज भी होती हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा, पंजाब के अंदर एक यूनिवर्सिटी आती है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के नोएडा जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी आती है अमेठी। तो दीज आर द स्टेट यूनिवर्सिटीज, दीज आर नॉट द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दीज आर द स्टेट यूनिवर्सिटीज। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो दो अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास। और वो इसी वजह से है क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जो कि कॉन्करेंट इसमें दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कभी हो कि पार्लियामेंट भी कानून बना रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बना रहा है, और दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्शन की बात आ जाती है तो फिर कौन प्रिवेल करेगा, किसकी बात मानी जाएगी, कौन प्रिवेल करेगा उस केस में? फिर ऑब्वियसली बात है, प्रिवेल करेगा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी, स्टेट की बात को वहां पे इग्नोर कर दिया जाएगा। नाउ ये सारी बातें हमारे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे हैं? मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का पॉइंट 1, 2 और 3 मैंने आपको करवा दिया। अब आप लिखिएगा पॉइंट नंबर 4, आपको समझ आएगा कि हमारे सब्जेक्ट से ये रिलेटेड कैसे है। ध्यान से लिखिएगा, एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर का मतलब है सीरियल नंबर, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट गिवन इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया gives power to parliament to make law on income tax except tax on agriculture income। बहुत जरूरी बात आ गई, बहुत ज्यादा जरूरी बात आ गई हमारे पास। यहां पे बात ये आ गई कि पार्लियामेंट को किसने पावर दे दी कि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड कानून बनाए। आपको पता है हर साल हमारे पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर मैडम, आजकल तो मैडम है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हर साल बजट लेके आते हैं, बजट के अंदर फाइनेंस एक्ट और वो सारी चीजें और कानून में बदलाव कर देते हैं। किसने अथॉरिटी दे दी, किसने पावर दे दी उनको ऐसा करने के लिए? उनको अथॉरिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां पे ये अथॉरिटी लिखी हुई है?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल नंबर 7 पर जाएं। शेड्यूल नंबर 7 के अंदर आपको वहां पे यूनियन लिस्ट दिखाई देगी। यूनियन लिस्ट के अंदर सीरियल नंबर 82 पे देखेंगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा कि ये पावर के बारे में लिखा हुआ है। एंट्री नंबर 82 कहता है इट गिव्स द पावर टू द पार्लियामेंट कि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है इनकम टैक्स से रिलेटेड वो कानून बनाना चाहे, कानून बदलना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन किस चीज के ऊपर? इनकम टैक्स के ऊपर। कौन सी इनकम के ऊपर वो टैक्स नहीं चार्ज कर सकते? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, बाकी वो किसी के ऊपर भी करना चाहे तो टैक्स चार्ज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, एग्रीकल्चर के ऊपर क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे कारण है पॉइंट नंबर 5, एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। एंट्री नंबर 46 ऑफ द स्टेट लिस्ट गिवन इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 किसका? शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉ, टू मेक लॉ ऑन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर किसके पास? एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को दी गई है, पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है। इसी वजह से कई बार आपने सुना होगा ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स कौन चार्ज करेगा? उसके ऊपर टैक्स जो चार्ज करेगा वो होगा स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने उसके ऊपर कभी भी टैक्स चार्ज नहीं करना है। तो ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बातें आ गई। और इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, कई बार आपने जैसे मैंने अभी कहा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो ध्यान रखना एग्जेम्प्ट तो पार्लियामेंट की तरफ से है, स्टेट के पास पावर है कि वो टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन आपको यहां पे ये भी बता देता हूं कि आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उसके पीछे भी कारण समझ आता है। टैक्स उन्होंने चार्ज इस वजह से नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने टैक्स लगा दिया तो फिर अगली बार हमारी सरकार नहीं बनेगी। और आपको पता है किसानों ने तो कमाल धमाल मचा रखा है पूरे देश के अंदर। किसानों ने आंदोलन किया, साल डेढ़ साल तक वो बॉर्डर्स के ऊपर बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहे, इकोनॉमी का सत्यानाश पीटा उन्होंने और उसकी वजह से अपनी जिद पर अटके रहे। और फिर नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना जिद उनके सामने अपनी जिद छोड़ी और जो कृषि कानून है वो विड्रॉ हो गए। तो बेसिकली किसानों के पास पावर है, पावर इन द सेंस कि एकजुटता बहुत है उनके अंदर। और आप किसान के खिलाफ जाके अगर कोई कानून बनाए तो मेरे को नहीं लगता कि वो सरकार ज़्यादा देर टिक पाएगी। कानून की वापसी होगी या सरकार की वापसी होगी, जैसा भी कुछ टाइम पहले हुआ भी। इसी कारण से शायद स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक कभी भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया है किसानों के ऊपर। लेकिन पावर है उनके पास, ये पावर है, और पार्लियामेंट के पास तो पावर ही नहीं है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे कुछ बातें बता दी हैं। अब आप हेडिंग देंगे तो लिखेगा स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो जैसे आपने अभी हेडिंग दिया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूं कंपोनेंट्स या स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स। कंपोनेंट्स कह लीजिए या स्ट्रक्चर कह लीजिए ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज आपको पढ़नी है वो है इनकम टैक्स एक्ट। तो दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961।
ठीक, दिस इज द मेन लॉ, दिस इज द मेन लॉ गवर्निंग कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. तो इनकम टैक्स का जो मेन पार्ट है, वो इनकम टैक्स का जो मेन कानून है, वो मेन कानून हमारे पास कौन सा है, वो है हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट. तो सारी बातें इनकम टैक्स से रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट 61 में गिवन है. आपके मन में बात आ रही होगी, सर क्या 1961 से पहले हमारे देश में इनकम टैक्स नहीं होता था? बिल्कुल होता था. बिफोर दिस एक्ट वी यूज्ड टू हैव इनकम टैक्स एक्ट 1922. तो ब्रिटिश ने कानून बनाया था, इनकम टैक्स एक्ट 1922 बनाया था. तो 1922 का कानून चलता रहा, और 1922 का कानून जो चलता रहा वो 47 में देश आजाद हुआ उसके बाद भी चलता रहा. और उसके बाद 1922 के कानून को अबॉलिश करके नया कानून 1961 इंट्रोड्यूस किया गया. और इसके अंदर जो मेन बेनिफिट रहा वो ये था कि पहले जो टैक्स चार्ज करने की पावर थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, वो सारी की सारी पावर अब पार्लियामेंट के पास आ गई. सो देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो यहां पे अगर आप ये लिखना चाहें, दिस रिजल्टेड इन शिफ्ट ऑफ, दिस रिजल्टेड इन शिफ्ट ऑफ पावर टू चार्ज एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम ब्रिटिशर्स टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक काम कीजिएगा, ब्रिटिशर्स का बी कैपिटल में लिखिएगा, ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिशर्स से ये पावर अब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास आ गई. ये एक बहुत बड़ा चेंज था जो कि 1961 के कानून में आया. इसके साथ साथ में लिखिएगा, कंटिन्यू करके लिखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज डिवाइडेड इनटू many chapters, that is chapter 1, 2, chapter number 23. तो chapter 1 से लेके chapter 23 तक इसके अंदर बहुत सारे chapters हैं, and it has 14 schedules. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको शेड्यूल्स के बारे में बताया था कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक्ट के अंदर नहीं लिखी जाती, उसको एक एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लॉ वहां पे लिख दी जाती है. तो जो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लॉ है उसको हम लोग शेड्यूल्स बोलते हैं. तो यहाँ पे शेड्यूल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. उसके आगे लिखिएगा, ईच चैप्टर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी सेक्शंस एंड देर आर टोटल ऑफ 298 सेक्शंस. तो 298 सेक्शंस है. आप इसको आप ऐसे ही समझें जैसे कोई भी किताब के अंदर चैप्टर्स होते हैं. तो यहां पे भी इस एक्ट के अंदर चैप्टर्स हैं, फिर उस चैप्टर के अंदर भी पैराग्राफ्स ना होते हैं. तो जो पैराग्राफ्स हैं उनको हम लोगों ने यहां पे नाम दे दिया है एज सेक्शन. कंटिन्यू करेंगे, ईच सेक्शन डील्स विद अ
पर्टिकुलर सिचुएशन। ईच सेक्शन डील्स विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मैनी सब सेक्शंस, डिवाइडेड इंटू मैनी सब सेक्शन और क्लॉजेस, डिवाइडेड इंटू मैनी सब सेक्शंस और क्लॉजेस। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, क्लैरिफाई कर देता हूं। अक्सर स्टूडेंट्स ना इस बात को लेके बड़े अपसेट और परेशान से होते हैं कि सर सब सेक्शन क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। तो हालांकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये सारी बात रेलेवेंट नहीं है, और जो आज के अभी मैं आपको करवा रहा हूं ये सारी चीजें ये एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी। आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 265 में क्या लिखा हुआ है, या यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, ये वाली बातें बताओ, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर। तो जब एग्जामिनर ऐसा पूछेगा नहीं तो फिर मैं क्यों करवा रहा हूं, मैं क्यों अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपका। नहीं, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये बात पता है कि चाहे एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द टैक्सेशन एंड खास तौर पे स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स दैट यू आर डूइंग, आपके पास इस बात की इंफॉर्मेशन नॉलेज होना जरूरी है, चाहे एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए। तो मैं सेक्शंस के बारे में बात कर रहा था, क्लॉज और सब सेक्शन की बात कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के अंदर क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई बताओ सब सेक्शन क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों का, ये बताओ, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, तो मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि सब सेक्शन और क्लॉज में फर्क क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। देखिए, मान लीजिए एक सेक्शन है, मैं उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ आपको, मान लीजिए सेक्शन है सेक्शन नंबर एक। तो सेक्शन एक में आगे इस प्रकार से सेक्शन ये रहेंगे, वन वन ब्रैकेट में वन, फिर वन टू, फिर वन थ्री, और इस प्रकार से काउंटिंग बढ़ती रहती है। याद रखिएगा, अगर तीन को पढ़ने से पहले दो पढ़ना जरूरी हो, या मैं ऐसे बोलूं कि तीन को सीखने से पहले, समझने से पहले दो को समझना सीखना जरूरी हो, और दो को पढ़ने से पहले पहला पढ़ना जरूरी हो, मतलब यह हुआ कि अगर आपको एक सेक्शन सेक्शन वन सब सेक्शन थ्री को समझना है तो उससे पहले आपको सेक्शन वन सब सेक्शन टू समझ आना चाहिए, उससे पहले आपको सेक्शन वन सब सेक्शन वन समझ आना चाहिए। मतलब ये हो गया कि ये सारे सेक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जब ये सारे सेक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो फिर आप इनको बोलते हैं एज सब सेक्शन, यू कॉल इट एज सब सेक्शन। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो कि एक सेक्शन टू है और सेक्शन टू में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, सेक्शन टू वन फिर टू टू एंड टू थ्री ऐसे लिखा हुआ है और पूरी सीक्वेंस चल रही है, तो थ्री को पढ़ने से पहले टू पढ़ू ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मैं थ्री को इंडिपेंडेंटली समझ सकता हूं, मेरे को टू पढ़ने की जरूरत नहीं है, और टू को मैं इंडिपेंडेंटली समझ सकता हूं, मेरे को वन पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब ब्रैकेट वन की बात कर रहा हूं मैं। तो जहां पे ये सारे सेक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड ना हो तो फिर तब उनको हम लोग बोलते हैं एज क्लॉज। तो व्हेन एवर द सेक्शंस आर रिलेटेड विद ईच अदर यू कॉल इट देम एज सब सेक्शन, एंड व्हेन दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर यू कॉल देम एज क्लॉज। ये फर्क है, ये बस फर्क है इसके अंदर। और फिर मैं आपको कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है। एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा बताओ सब सेक्शन क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, ये बताओ, कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द लॉ हमें ये बात पता तो हो, और यही चीज मैंने आपको यहां पे लिखवाई है कि जितने भी सेक्शंस हैं वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने के लिए हमें बताते हैं, और सेक्शंस को आगे फर्दर कुछ सब सेक्शंस के अंदर और कुछ क्लॉज के अंदर डिवाइड किया जाता है। कंटिन्यू कीजिएगा, कंटिन्यू करेंगे। सब सेक्शंस एंड क्लॉजेस
subsections and clauses further have explanations, or provisions attached. प्रोविजोस कहा मैंने, प्रोविजंस नहीं कहा. प्लीज प्रोविजो लिखिएगा, प्रोविजन नहीं है. प्रोविजो, पी आर ओ वी आई एस ओ एस, प्रोविजोस. इसे बहुत सारे लोग प्रोनाउंस करते हैं प्रोवाइजो, तो आप प्रोवाइजो प्रोनाउंस कर लीजिए या प्रोविजो प्रोनाउंस कर लीजिए, बात एक ही है, उनके अंदर फर्क नहीं है. अब फर्क क्या आता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है. बेटा जो एक्सप्लेनेशन होता है वो किसी भी सेक्शन के अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड कर देता है, और प्रोविजन जो होता है वो किसी भी सेक्शन के एक्सेप्शनल केसेस को डिफाइन कर देता है. तो यहां पे लिख लो, एक्सप्लेनेशंस बेसिकली गिव्स एक्सटेंडेड वर्जन टू सेक्शन एंड ऑल्सो गिव्स क्लैरिफिकेशन एज टू व्हेन एंड हाउ सेक्शन इज टू बी अप्लाइड. तो बेसिकली सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करना, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशन. तो कई बार ऐसा होता है कि भाई सेक्शन बना दिया लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है कि उस सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दे दे कि साहब हमारी सोच ये है, इस सिचुएशन में ये वाला सेक्शन ऐसा आपने इंप्लीमेंट करना है. तो जब गवर्नमेंट इस प्रकार की क्लैरिफिकेशन देती है तो उस क्लैरिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेनेशंस. और प्रोविजोस क्या होते हैं, प्रोविजोस बेसिकली गिव्स एक्सेप्शनल केसेस और सिचुएशंस. प्रोविजोस बेसिकली गिव्स एक्सेप्शनल केसेस और इट गिव्स एक्सेप्शनल सिचुएशंस. हमेशा एक्सेप्शनल केसेस देगा, एक्सेप्शनल सिचुएशंस देगा, अंडर विच सेक्शन या सब सेक्शन या क्लॉज विल नॉट अप्लाई. तो जो प्रोविजंस है वो बेसिकली क्या करने वाला है, प्रोविजंस बेसिकली एक्सेप्शन केसेस देगा आपको, सिचुएशंस बताएगा जहां पे सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज अप्लाई नहीं होंगे, जहां पे एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं वो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविजो, और जहां पे किसी सेक्शन के स्कोप को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, वहां पे हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लेनेशंस. तो हमारे कानून के अंदर सेक्शंस हैं, सेक्शंस के अंदर एक्सप्लेनेशंस भी हैं, और उसके साथ साथ में क्या, उसके साथ साथ में आपको प्रोविजंस भी गिवन है. इसके साथ एक और चीज का ध्यान रखिएगा, ये सारा हम लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं. इसके साथ में चलो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां बता दूंगा. कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जो डेफिनेशंस हैं वो किसी एक सिचुएशन को डिफाइन करती हैं, किसी एक टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करती हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं समझेगा, हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें आपने सबसे पहली चीज लिखी है इनकम टैक्स एक्ट. तो इनकम टैक्स एक्ट में मैंने आपको कुछ बातें बताई जो रेलिवेंट है, हालांकि बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट मैटर से रेलिवेंट हो मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ. कहीं ना कहीं मेरे को एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मेरे को एक लकीर खींचनी पड़ेगी, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. बियॉन्ड दैट हम लोग डिस्कशन नहीं करें, और विद इन दैट बाउंड्री अगर हम लोग डिस्कशन करें तो दैट विल रिमेन रेलिवेंट फॉर आर एग्जामिनेशन एज वेल.
इसके बाद दूसरी बात हम लोगों ने जो डिस्कस करनी है वो है एनुअल फाइनेंस एक्ट, एनुअल फाइनेंस एक्ट। अब मन में बात आते हैं कि साहब एनुअल फाइनेंस एक्ट का क्या मतलब हुआ। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो है 1961 का, इनकम टैक्स एक्ट 1961। और अभी हम लोग कौन सी ईयर में चल रहे हैं, 2021 2022 में चल रहे हैं हम लोग। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे इस कानून को बने हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं? आंसर इज यस, इट हैज बीन 70 इयर्स सिंस दिस एक्ट वाज मेड। 70 40 एंड ना 60 नॉट 70 60 तो इट हैज बीन 60 इयर्स सिंस दिस एक्ट हैज बीन मेड। आपको लगता है कि क्या हमारा इनकम टैक्स का कानून जो आज से 60 साल पहले बना, जो 60 इयर्स पहले की सिचुएशंस के हिसाब से बना, उस जमाने की सोसाइटी के हिसाब से बना, उस जमाने की सोशल इवेंट्स के हिसाब से बना, उस जमाने की जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके हिसाब से बना, क्या वो आज 2021-2022 में इक्वली रेलेवेंट होगा? आंसर इज नो। पिछले 50-60 सालों में, 70 सालों में हमारे देश में बहुत ज्यादा बदलाव आए, सोशली बहुत बदलाव आए, सोसाइटी में बहुत बदलाव आए, इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत बदलाव आए, आर इकॉनमी हैज ग्रोन, बहुत ज्यादा हमारी इकॉनमी की ग्रोथ हुई है। तो जब ये सारे बदलाव हैं तो क्या हमारा कानून आज भी उतना ही रेलिवेंट होगा जितना आज से 60 साल पहले रेलिवेंट था? आंसर इज नो। तो क्या किया जाए, ये किया जाए कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी सरकार है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो हर साल इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, सोशल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, हर साल हमारे इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस करती है, बदलाव करती है। ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हैं, इनको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट्स। कई बार आपने सुना होगा यार टैक्स में तो अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, आते हैं और आने भी चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए और हर साल आने चाहिए। वो इस वजह से है क्योंकि हर साल इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे देश की बदलती हैं। अगर आप रिकॉल करें तो 2 साल पहले कोरोना नहीं था, उस जमाने की इकोनॉमिक कंडीशंस अलग थी। अब 2 साल से कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से हमारी सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आया, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, तो कानून उस हिसाब से बनना चाहिए। तो इकोनॉमिक कंडीशंस हर साल चेंज होती हैं और उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए एनुअल फाइनेंस एक्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है ये कंसेप्ट एनुअल फाइनेंस एक्ट का, ध्यान से समझिएगा, बात को समझने की ध्यान से कोशिश कीजिएगा। एवरी ईयर ऑन 1st February, हर साल पहली फरवरी को, एवरी ईयर ऑन 1st February फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस बजट इन पार्लियामेंट। आपको दो बातें यहां पे बताता हूं। पहली, 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार बनी, 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बनी, उस जमाने में जो ये बजट है, ये बजट पहली फरवरी को नहीं होता था, ये बजट होता था 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को प्रीपोन करके पहली फरवरी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया मोदी सरकार ने। दूसरी बात, अंग्रेजों के जमाने की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिशर्स के जमाने में ये जो बजट का जो टाइम होता था वो होता था शाम के 5 बजे। ऐसा क्यों, शाम के 5 बजे क्यों? और ये वाला ट्रेंड काफी टाइम तक कंटिन्यू रहा। जो मोदी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था कि शाम के टाइम पे बजट आता था 5 बजे। ऐसा क्यों, 5 बजे क्यों? उस जमाने में, ब्रिटिशर्स के जमाने में, इसका लाइव रेडियो टेलीकास्ट किया जाता था ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटिशर्स ऐसा करते थे। और आपको ये बात पता है कि इंडिया और ब्रिटेन के अंदर 5.5 घंटे का टाइम पीरियड का गैप रहता है। तो जिस समय यहां पे 5 बज रहे हैं,
शाम के इंग्लैंड के अंदर उस समय के सुबह के 11:30 बज रहे हैं, तो वहां पे सुबह होती थी तो वो अपने सुबह के टाइम के अनुसार वहां पे बजट सुनना चाहते थे इंडिया का, जो भी इंडिया के जो पॉलिटिशियंस मतलब जो भी इंटरेस्टेड थे। इस वजह से उसको इंडिया के 5 बजे के अनुसार बजट प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट के अंदर, तो टाइम मैच करने के लिए। लेकिन इस प्रथा को फिर तोड़ा जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर चिदंबरम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो उन्होंने इस प्रथा को तोड़ा और जो शाम के 5 बजे का टाइम है उसको सुबह शायद 10 बजे मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो सुबह 10 बजे का टाइम उन्होंने रखा पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करने का, लेकिन तारीख वही रखी 28 फरवरी की। और फिर जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उन्होंने टाइम पीरियड जो तारीख है 28 फरवरी उसको चेंज करके 1 फरवरी कर दिया। तो 1 फरवरी को सुबह के टाइम पे हर साल बजट पार्लियामेंट में दिया जाता है। अब बजट क्या होता है, जरा बात को ऐसे समझो कि मान लीजिए आपका आज बर्थडे है और आपके बर्थडे पे आपके फादर ने आपको 5,000 रुपीज दिए कि आपने अपने बर्थडे पे इस पैसे को एंजॉय करना है। अब आप प्लान करते हो कि मैंने कितना पैसा अपने दोस्तों यारों के साथ ट्रीट में खर्च करना है, कितना पैसा ऐसा होगा जो कि मैंने इस पैसे को यूज करना है, खर्च करना है, अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाना है, कितना पैसा ऐसा है जो मैंने इस 5,000 रुपए में से सेव करना है। ये सारी बातें आप प्लान करते हैं। इसी प्रकार से आप सोचिए कि ये प्लानिंग तो आप अपने लिए कर रहे हैं बड़े माइक्रो लेवल के ऊपर, और अगर इसी प्लानिंग को आप पूरे देश के लिए करें तो उस केस में आपको ये पता होगा कि पूरे देश की क्या इनकम्स आ रही हैं, पूरे देश के क्या खर्चे हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्लान है, जो फिक्स्ड खर्चे हैं, जैसे सरकारी इंप्लॉयज को अपनी सैलरी देनी है तो फिक्स खर्चा है, पता ही है कि हाँ भाई इतनी सैलरी हम लोगों ने सारी गवर्नमेंट इंप्लॉयज को देनी है। कुछ आप प्लान करते हैं कि साहब मेरे को इतने शहरों के अंदर मेट्रो बनानी है तो मेट्रो बनाने के लिए मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में मेरे को इतने पैसे की जरूरत है, मेरे को डिफेंस ऑफ द कंट्री के लिए रफाल जेट्स परचेस करने हैं तो इतने पैसे की जरूरत है। दीज आर प्लान्ड एक्सपेंसेस। कुछ अनप्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अचानक किसी जगह में बाढ़ आ गई तो बाढ़ में लोग फंस गए, लोगों का फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उनको कंपनसेट करना है, इस प्रकार के अनप्लान्ड एक्सपेंसेस होते हैं। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर मैडम है, आजकल मैडम है या अदरवाइज फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका ये काम होता है कि वो पूरे देश की इनकम्स के बारे में एस्टिमेट करें, क्या इनकम्स हम लोग कमाएंगे और उन इनकम्स को कमाने के बाद उन इनकम्स को हमने कहां कहां कैसे कैसे खर्च करना है, कितना पैसा हम लोग अपने फिक्स एक्सपेंसेस में खर्च कर रहे हैं, कितना पैसा हम लोग प्लांट एक्सपेंडिचर में खर्च कर रहे हैं जैसे मेट्रो बनाना है सो ऑन। कुछ पैसा ऐसा भी होगा जो अलग रखा जाएगा कंटिजेंसीज के लिए, दैट इज अनप्लान्ड एक्सपेंसेस के लिए अलग रखा जाएगा, तो उनका भी आपने प्रोविजन क्रिएट करना है। इन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं बजट। तो पार्लियामेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आके ये बताएगा कि आने वाले साल में, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, आने वाले साल में, मैंने ये नहीं कहा बीते हुए साल में, आने वाले साल में, आने वाले साल में हमारे देश की ये इनकम्स होंगी, आने वाले साल में हमारे देश के ये सारे हमारे खर्चे होंगे और कुछ प्लान एक्सपेंडिचर होंगे और कुछ अनप्लान एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग पैसा रिजर्व में रख रहे हैं। तो इन सारी चीजों की जानकारी जब फाइनेंस मिनिस्टर मैडम दे तो इसको हम लोग बोलते हैं बजट, कि साहब हमारे सरकार ने बजट प्रेजेंट किया है। अब बात यहां पर आती है कि साहब इनकम्स हमारे सरकार को कहां से मिलेगी। इनकम्स का जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे सरकार के लिए वो है टैक्स लॉस। जब हम लोग टैक्स लॉस की बात करते हैं तो मैं इनकम टैक्स लॉ की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं, मैं जीएसटी के कानून की बात कर रहा हूं, मैं और बहुत सारे जो टैक्स लॉस हैं उन सबके बारे में बात कर रहा हूं। अब क्योंकि ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है तो सरकार की सोच ये रहती है कि हम इनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे, और इसी वजह से हर साल फाइनेंस बिल साथ में प्रेजेंट किया जाता है बजट के। फाइनेंस बिल के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि हम कौन कौन से कानून के अंदर
इनकम टैक्स का कानून है, जीएसटी का कानून है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या बदलाव कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्या क्या अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कहां कहां पे टैक्स रेट्स बढ़ा रहे हैं, कहां कहां पे टैक्स रेट्स हम लोग कम कर रहे हैं। तो जब फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाएगा तो फाइनेंस बिल के अंदर सिर्फ अमेंडमेंट्स मेंशन किए जाएंगे कि साहब देखो ये हमारा बजट है, ये हमारी इनकम्स है, ये हमारे एक्सपेंसेस है, इनको सपोर्ट करते हुए टैक्स लॉस के अंदर हम लोग ये बदलाव कर रहे हैं। तो इनकम्स और एक्सपेंसेस के लिए आता है बजट, और टैक्स लॉस में बदलाव करने के लिए आता है फाइनेंस बिल। ये दो चीजें साथ साथ में पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाती है, पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट की जाती है। और ये सब कुछ कब होता है? 1 फरवरी को होता है, हर साल होता है। कौन करता है? हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो करते हैं। तो मैंने आपको यहां पे यही लिखवाया या लिखवाना स्टार्ट किया, एवरी ईयर ऑन 1 फरवरी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द बजट इन द पार्लियामेंट। In the budget, estimates are given. किस चीज के estimates दिए जाते हैं? Estimates are given about incomes and about expenses. इनकम्स और एक्सपेंसेस के एस्टिमेट्स दिए जाते हैं फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर, कमिंग आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए। कंटिन्यू करना, द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट, द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज tax, and that is why tax laws are updated every year. Tax laws ko update kiya jata hai har saal to introduce amendments. To introduce amendments to tax laws, finance bill is presented. Finance bill is presented along with budget. याद रखिएगा, finance bill introduce किया जाता है budget के साथ में। फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है बजट के साथ में, और फाइनेंस बिल में क्या मेंशन होता है? फाइनेंस बिल के अंदर मेंशन होता है कि हम लोग कौन कौन से कानून के अंदर, इनकम टैक्स का कानून है, जीएसटी का कानून है, उसके अंदर हम लोग कौन कौन से कानून के अंदर क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। कहां पर मेंशन की जाती है? फाइनेंस बिल के अंदर सारी चीजें मेंशन की जाती है। सो टू इंट्रोड्यूस द अमेंडमेंट्स टू द टैक्स लॉस, फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड अलॉन्ग विद बजट। और ये सब कुछ कब होता है? 1 फरवरी को। कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है। ठीक है, तो दो चीजें आ गई पार्लियामेंट के अंदर। कौन कौन सी दो चीजें आ गई? बजट और साथ साथ में फाइनेंस बिल। ये दो अलग अलग चीजें हैं, सेम चीजें नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। कंटिन्यू कीजिएगा, बजट एंड फाइनेंस बिल दोनों के बारे में बात करें। बजट एंड फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल का एफ कैपिटल में लिखेगा, बजट एंड फाइनेंस बिल आर देन डिस्कस्ड, इन लोकसभा, एंड देन इन राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में इसका डिस्कशन किया जाता है, दोनों का, बजट का भी और फाइनेंस बिल का भी। एंड व्हेन अप्रूव्ड देन दे आर
सेंट टू प्रेसिडेंट, देन दे आर सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर फाइनल अप्रूवल. दिस होल प्रोसेस मस्ट, ध्यान रखना मैंने वर्ड लिखा है मस्ट, जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है. दिस होल प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 75 days. ये सब कुछ, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए. कितने पीरियड में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 75 days. कहां से? 75 days फ्रॉम डेट ऑफ इंट्रोडक्शन, फ्रॉम डेट ऑफ इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट, दैट इज 1 February. याद रखिएगा, ये सब कुछ 75 days में कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है. ये कंपल्सरी है कि पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा दोनों, और उसके बाद प्रेसिडेंट, इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर दे 75 days में. ऐसा क्यों भाई? ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि इसी के बेस के ऊपर पूरी इकोनॉमी चलने वाली है. जो कानून आएंगे उस कानून के बेसिस के ऊपर ही कंपनीज को, पार्टनरशिप फर्म्स को, इंडिविजुअल्स को ये पता चलने वाला है कि वो इनकम अपनी कहां कहां से कैसे कैसे कमा सकते हैं और अपनी इनकम के ऊपर उनकी क्या क्या टैक्स लायबिलिटीज बनती है. तो पूरी इकोनॉमी इसी के ऊपर बेस्ड है, और अगर इसको हम लोगों ने लिंगर ऑन कर दिया, डिले कर दिया, तो हो सकता है कि पूरी इकोनॉमी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़े, क्लैप्स हो जाए. तो इस वजह से टाइम बाउंड ये काम कर दिया, और टाइम बाउंड कितना? 75 days. अच्छा, अब 75 days कहां से? 75 days 1 February से. तो अगर आप ध्यान से काउंट करके देखें तो फरवरी के हो गए 28 days, मार्च के हो गए 31 days, टोटल हमें चाहिए 75, माइनस 28 माइनस 31, तो इसका मतलब अप्रैल के कितने दिन हो गए? अप्रैल के हो गए 16, तो टोटल हमारे पास आ गए 75 days. इसका मतलब यह हुआ कि जो पहली फरवरी को बजट आया, जो फाइनेंस बिल आया, बाय एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, 16 अप्रैल तक उसका अप्रूवल पार्लियामेंट से भी आ जाएगा, प्रेसिडेंट से भी आ जाएगा. हालांकि मैं आपको यहां पर बता देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश ये रहती है कि समवेयर अराउंड 31 मार्च इसका अप्रूवल आ जाए. दैट मीन्स नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही अप्रूवल्स आ जाए, इंप्लीमेंट हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि हाँ नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले सारे अप्रूवल्स वगैरह आ चुके हैं. तो यहां पर लिख देना, 10 बजट एंड फाइनेंस बिल, मस्ट बी अप्रूव्ड लेटेस्ट बाय 16th of April. However, Modi government always makes it sure to approve, to get all approvals on or before 31st March. तो 31 मार्च तक सारे अप्रूवल्स आ जाए, मोदी सरकार की हमेशा कोशिश ये होती है. और 16 अप्रैल तक वो लोग वेट करते नहीं है, वो कहते हैं भाई 15 दिन और जल्दी से काम करो और इसके सारे अप्रूवल्स जल्दी से करो. ऐसा ट्रेंड मैं पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूं. ठीक. अच्छा, अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, सर जो बजट 2022 में आएगा क्या वो हमारे एग्जाम के लिए अप्लाई होगा? या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा होगा, तो आप यहां पे ये बात जरूर लिखिएगा, फॉर एग्जाम्स ऑफ सीए
CS CMA है, सबके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो आपके CS CS CMA का एग्जाम है, इसके अंदर जो बजट है, जो कि बाद में फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, ये बजट ऑफ फाइनेंस एक्ट ऑफ 2021 एंड ऑफ 2022 का बजट, 2021 का जो फाइनेंस एक्ट है, ये अप्लाई होगा, एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स टू बी हेल्ड इन 2022 और जो बजट 2022 का होगा, ये अप्लाई कब होगा? एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स, एप्लीकेबल फॉर एग्जाम्स टू बी हेल्ड इन 2023। मैंने सारी बातें बिल्कुल ठीक ठाक लिखी हैं। 2022 का जो बजट होगा वो 2023 के एग्जाम में अप्लाई होगा, 2021 का जो बजट है वो 2022 के एग्जाम में अप्लाई होगा। अब आप देख लो, आप कब एग्जाम दे रहे हो? आर यू अपेयरिंग इन 2022 एग्जामिनेशन? यस, तो यू नीड टू स्टडी बजट ऑफ 2021। इफ यू आर अपेयरिंग इन 2023 एग्जामिनेशन, देन यू नीड टू स्टडी 2022 वाला बजट एंड फाइनेंस एक्ट। तो ये अब आप देख लीजिएगा आप कौन सा कर रहे हैं। मैं प्राइमरली मेनली फोकस करूंगा 2021 फाइनेंस एक्ट, 2021 बजट, और मेरी इन क्लासेस के दौरान अगर 2022 का बजट आ जाता है तो फिर मैं 2022 का बजट भी आप लोगों के साथ जहां जहां पे रिलेवेंट होगा वहां वहां पे मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर दूंगा। तो मैंने अभी तक आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया? मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया कंपोनेंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें पार्ट ए मैंने आपको करवाया इनकम टैक्स एक्ट 1961, और उसके बाद मैंने करवाया एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो दो पार्ट्स आपके पास होंगे। अब आप लिखिएगा थर्ड पार्ट, इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स 1962, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स इज लुक्ड आफ्टर, the administration of income tax is looked after by an authority called as CBDT, that is Central Board of Direct Taxes. अच्छा, अब इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ ये भी समझो साथ साथ में। देखो, मान लेते हैं एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो अगर मर्डर कर दिया, किसी की जान ले ली, तो उसकी सजा मिलेगी। सजा होगी या तो उसको उम्र कैद होगी या उसको फांसी की सजा होगी। आपको वैसे बता देता हूं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं पर कुछ नहीं है। फांसी की सजा सिर्फ वहां पे दी जाती है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं। मतलब ऐसा मान के चलिए कि कोई ऐसा जुर्म हो जाए, कोई ऐसे तरीके से जुर्म हो जाए जो इससे पहले कभी ना हुआ हो, बिल्कुल रेयर है, ऐसा कभी आम तौर पे नहीं होता, रेयर केसेस होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं, सिर्फ वहां पर फांसी की सजा होती है, बाकी जगहों पर नहीं होती, बाकी केसेस में नहीं होती। मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण, आपको याद है बड़े अच्छे से पाकिस्तान के कुछ मिलिटेंट्स इंडिया में आए थे, जहां पे बॉम्बे के वो ताजमहल होटल के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, और उस अटैक में एक पाकिस्तानी टेररिस्ट अजमल कसाब को हम लोगों ने जिंदा पकड़ लिया था, जिसको बाद में फांसी दी गई। बताइए
क्या देश के अंदर एंटर करके एक होटल के अंदर जाके वहां पे अटैक करना, क्या ये आम तौर पे सब जगह पे होता रहता है? नहीं, ये रेयर केस था। दिस वॉज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इसी वजह से अजमल कसाब को फांसी दी गई। इसके अलावा अब आपने सुना होगा एक अफजल गुरु नाम के भी टेररिस्ट थे जिन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक पूरा मास्टरमाइंड किया था। बाद में उसको पकड़ा गया, अफजल गुरु को पकड़ा गया, उसको भी फांसी दी गई। तो क्या पार्लियामेंट के ऊपर अटैक रोजाना की बात है? नहीं, दिस इज अगेन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। इसी प्रकार से निर्भया रेप केस, आप सबको पता है, चलती बस के अंदर लड़कियों के साथ रेप किया गया, बहुत बदसलूकी की गई उसके साथ, और उसके बाद चलती बस उसको नीचे फेंक दिया गया। याद रखिएगा, निर्भया रेप केस के अंदर भी जो 6 लड़के थे उनमें से 4 को फांसी हुई, एक ने सुसाइड कर लिया था और एक जो था वो माइनर था, उसको छोड़ दिया गया था। तो जो 4 लड़के थे उनको फांसी की सजा हुई क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था। अब आप कहेंगे सर रेयर क्या है, इंडिया में तो रेप होते रहते हैं। ठीक बात है, इंडिया में रेप होते रहते हैं जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए, पर इसके अंदर रेयर ये था कि जिस तरीके से रेप किया गया, जिस तरीके से रेप किया गया और जिस तरीके से उसके साथ बदसलूकी की गई, जिस तरीके से उसके बॉडी पार्ट्स को मैं एक्सप्रेस भी क्या करूँ और कैसे करूँ, तो बहुत ही गंदे तरीके से सब सारा जो ये इंसिडेंस था वो हुआ था। इस वजह से वो रेयर बना था और वहां पे लड़कों को फांसी की सजा दी गई थी। नाउ रेयर केसेस में फांसी और बाकी केसेस में नहीं, तो बाकी केसेस में उम्र कैद है। अब चाहे उम्र कैद की बात हो चाहे फांसी की बात हो, ये कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है हमारे कानून के अंदर जिसका नाम है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और इसके साथ में एक और कानून आता है सीआरपीसी, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी इंडियन पिनल कोड दोनों की कंबाइंड रीडिंग अगर हम लोग करते हैं तो कंबाइंड रीडिंग पे हमें पता चलता है कि हाँ कि अगर ये जुर्म हुआ है तो उसकी ये सजा है। लेकिन वो सजा देने के लिए मुलजिम को पकड़ेगा कौन और कोर्ट कचहरी तक लेके कौन जाएगा? पार्लियामेंट ने तो कानून बना दिया, लेकिन उस कानून को लागू कौन करेगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसके लिए हमारे पास है पुलिस सिस्टम। हर स्टेट के पास अपनी पुलिस है, पुलिस सिस्टम है। बस ऐसे ही आप समझिए कि इनकम टैक्स से रिलेटेड कानून तो पार्लियामेंट ने बना दिया, इनकम टैक्स एक्ट, लेकिन उस कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करेगा? लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक अथॉरिटी है जिसका नाम है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आगे चलेंगे, यहां से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास पावर होती है। सीबीडीटी हैज पावर टू मेक रूल्स फॉर इंप्लीमेंटेशन, हैज रूल्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट। कौन सा एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट। फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट को इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए रूल्स बनाने की पावर सीबीडीटी के पास है। दीज रूल्स आर कॉल्ड एज, दीज रूल्स आर कॉल्ड एज इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो आप लोगों को एक्ट के साथ में रूल्स भी पढ़ने हैं फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्ट एंड रूल्स। तो आपको रूल्स भी करने हैं, आपको एक्ट भी करना है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद हमारे पास आते हैं कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद कंपोनेंट्स में हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है वो आता है सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस। किसी कानून में कोई आपने डाउट्स को दूर करना है, क्लैरिफाई
कानून में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें कोई डाउट्स आ रहे हैं तो उसके दूर करने के लिए क्लैरिफिकेशन दी जाती है बाय सीबीडीटी। तो सीबीडीटी इश्यूज सर्कुलर्स टू क्लैरिफाई सीबीडीटी इश्यूज सर्कुलर्स टू क्लैरिफाई एनी डाउट्स विच अराइजेस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी सेक्शन और रूल। कोई सेक्शन है, कोई रूल है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उस दिक्कत और परेशानी को दूर करते हुए सर्कुलर्स इशू करते हैं बाय सीबीडीटी। तो एक तरह से क्लैरिफिकेशंस हैं जो वो दूर करते हैं। दीज सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट बट नॉट बाइंडिंग ऑन SSC। बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ? बाइंडिंग का मतलब हुआ कि फॉलो करना कंपल्सरी है, कि ये फॉलो करना कंपल्सरी किसके लिए होगा? ये फॉलो करना कंपल्सरी होगा उसके लिए ये फॉलो करना कंपल्सरी होगा जो कि डिपार्टमेंट का ऑफिसर है। डिपार्टमेंट के ऑफिसर के लिए तो ये कंपल्सरी है, लेकिन क्या SSC के लिए कंपल्सरी है? आंसर इज नो। मन में बात आती है, साहब SSC कौन है? कई बार ये मन में बात आती है, सर SSC वर्ड का क्या मतलब है? तो SSC की बहुत डिटेल डेफिनेशन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि SSC से हमारा मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इनकम टैक्स पे करना है। जैसे मैं इनकम टैक्स पे करता हूं तो मैं एक SSC हूं, आप अभी के लिए बात समझ लीजिए। लेकिन इसके अलावा इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसकी डिटेल डेफिनेशन मैं आपको आने वाले दिनों में करवाने वाला हूं। फिर एक और वर्ड हम लोगों ने लिखा, नोटिफिकेशंस क्या होते हैं? नोटिफिकेशंस आर इशूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एक्ट या रूल्स। नोटिफिकेशंस कैन बी इशूड बाय गवर्नमेंट और बाय CBDT। तो CBDT और गवर्नमेंट दोनों जो हैं वो नोटिफिकेशन वाला इशू करते हैं। तो हम लोग यहां पे डिस्कशन कर रहे हैं व्हाट आर द स्ट्रक्चर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द टैक्स लॉ। तो अगर आपने टैक्स के सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? आपने सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है। इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ में आप लोगों ने इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट आपने पढ़ना है। एनुअल फाइनेंस एक्ट के बारे में मैंने बताया, 75 डेज की मैंने आपके साथ पूरी बात करी। उसके साथ साथ में मैंने आपको कहा कि आपने इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने हैं। रूल्स क्या होते हैं वो मैंने बताया। रूल्स कौन बनाता है वो मैंने बताया। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आप लोगों ने सीखने हैं, पढ़ने हैं। सर्कुलर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशंस क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और फिर लास्ट एंड नॉट द लीस्ट और क्लास को भी हम लोग वाइंड अप करेंगे इसके बाद, हमारे पास पॉइंट नंबर ई है हमारे पास, लीगल डिसीशंस ऑफ कोर्ट्स। कई बार जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, उन कंट्रोवर्शियल इश्यूज का जो समाधान है वो कोर्ट डिसीशंस हमें मिलते हैं। समटाइम्स
डिस्प्यूटेड मैटर्स आर डिसाइडेड they are decided by courts, that is High Court, Supreme Court, और lower courts भी होती है, लेकिन हम लोग lower courts के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग High Courts और Supreme Courts के बारे में ही बात करेंगे. Sometimes disputed matters are decided by the courts, that is High Courts and Supreme Courts, and their judgment becomes rule of land का मतलब देश का कानून बन जाता है. हाई कोर्ट की जजमेंट आ गई है, कानून बन गया. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, कानून बन गया. और जो कानून में लिखा हुआ उसके खिलाफ भी कई बार जजमेंट आ जाती है कि साहब ये जो कानून में लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ है, तो ऐसा भी जजमेंट आ जाती है. उस केस में फिर कानून को बदला जाता है, पार्लियामेंट उस कानून को फिर बदलती है. सो दीज आर द जजमेंट्स दे बिकम द रूल ऑफ द लैंड एंड फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वी need to understand and implement decisions of such courts. तो मैं आपको बहुत सारी जगहों पे कोर्ट के decisions भी सिखाऊंगा कि देखो जी ये कानून बना था, इस कानून को सपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया, या कानून को के अंगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दे दिया. इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग आज अपनी फर्स्ट क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं. आज की क्लास के अंदर मैंने आपके साथ कोई भी सेक्शन, कोई भी चैप्टर, कुछ भी डिस्कस नहीं किया. मैंने आपके साथ तो सिर्फ डिस्कस किया है बेसिक्स, जो कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले के बेसिक्स हैं. आप ऐसे मान लीजिए कि ये चैप्टर जीरो है. चैप्टर जीरो का मतलब ये हो गया कि स्टार्ट करने से पहले, वन से पहले जीरो. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं सबके लिए, मैंने आपके साथ वो डिस्कस करी हैं. नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उस नेक्स्ट क्लास के अंदर आई विल बी डिस्कसिंग कि किस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर वन है, डेफिनेशंस हम लोग करेंगे, सेक्शन नंबर वन हम लोग स्टार्ट करेंगे. इनकम टैक्स एक्ट है तो कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ और कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, डेफिनेशंस क्या क्या हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जैसे इंडिया का मतलब क्या है, इनकम का मतलब क्या है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे. और पहले चैप्टर के अंदर 4-5 क्लासेस लग जाएंगी, देन वी विल मूव टू द सेकंड चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सो ऑन. पहला चैप्टर जो है ये थ्योरेटिकल है, और लेकिन उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 है रेसिडेंशियल स्टेटस और फिर नेक्स्ट इनकम टैक्स कैलकुलेशन, वहां पर सब कुछ थ्योरी का थ्योरेटिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा सॉरी. तो पहला चैप्टर थ्योरी, इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल हमारा साथ साथ में चलता रहेगा. तो आज यहां तक, बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो मेरे को कॉल कीजिएगा, मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में अपना नंबर दिया था. Till the time I meet you next time, bye bye and take care. Happy learning to all of you. Enjoy yourself.